उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है। यहाँ के एक गांव रायपुर में कुछ लोगों पर पैसे का लालच देकर एक परिवार के सदस्य को ईसाई बनाने का आरोप लगा है और इसी सिलसिले में बजरंग दल के सदस्यों ने मिर्जापुर थाने में रविवार यानी कि 1 जनवरी 2023 को शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बजरंग दल के जिला संयोजक हरीश कौशिक ने आरोप लगाया है कि 3 लाख रुपए का लालच देकर कुछ लोगों का जबरन धर्मांतरण कराया गया है। पीड़ितों को लेकर वो थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई है। वहीं सहारनपुर पुलिस ने इस संबंध में ट्वीट भी किया है। ट्वीट में कहा गया है कि प्रकरण के संबंध में थाना प्रभारी मिर्जापुर को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित कर दिया गया है। बजरंग दल नेता हरीश कौशिक ने बताया कि बजरंग दल को सूचना मिली थी कि गांव रायपुर में हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है और मौके पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे तो पता चला कि वहां कुछ लोगों ने हिंदू परिवार के लोगों का जबरन धर्मांतरण करवाया है। फिर हम लोग पीड़ित परिवार के लोगों को थाने लेकर आए और कोतवाल को इस संबंध में प्रार्थना पत्र सौंपा है। हमारी प्रशासन से मांग है कि जो पादरी हिंदू का जबरन धर्मांतरण करवा रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। शिकायत पत्र के अनुसार मिर्जापुर थाना क्षेत्र के ही अंतर्गत रायपुर गांव में रहने वाले योगेश और उसकी बहन का पैसे की लालच देकर जबरन धर्मांतरण कराया गया है। सुनीता का किसी मंजू के घर आना जाना था। मंजू के पति शादी राम ने दोनों को 3 लाख रुपए का लालच देकर धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा। दोनों आरोपित पति पत्नी ने भाई बहनों की मुलाकात सुरेंद्र प्रसाद और हरि सिंह से करवाई। फिर चारों ने मिलकर पीड़ित का धर्म परिवर्तन करवा दिया और मांगने पर पैसे देने से भी इनकार कर दिया।